हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट लूँगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 15। अगर आप लोग 15 में से 7 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है। और भी सब्जेक्ट की वीडियोज़ अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सीटेट दिसंबर 2023 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, इसमें आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए सभी लोग बताएंगे, वॉइस क्लियर आ रही है, वीडियो को स्टार्ट किया जाए। अगर आप लोग ये वाला पीडीएफ नहीं लिए हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें तो ये पीडीएफ लेने के बाद सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर इस पीडीएफ में जितना कंटेंट दिया गया है, जितना मैटर दिया गया है, इसे कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से तो सीटेट पास करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो मात्र 199 रुपये में आपको जो है पूरा मटेरियल मिल रहा है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। हजारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं, आप लोग भी परचेज कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से सभी को गुड इवनिंग। पहला प्रश्न है, कृतिका जो है अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, या कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, या उसके विचारों को जो है विद्यालय में मान्यता मिलती है, या विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे, तो मैंने आपको बताया था अवसर दिखे तो आपको जो है टिक कर देना है, बट यहाँ पे आपका ये वाला नहीं सही होगा। यहाँ पे ये सही होगा कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, तभी जो है कृतिका विद्यालय में काफ़ी बात करती है। ओके, उसके घर में उसके विचारों को मान्यता नहीं मिलती है, इसलिए वो घर में ज़्यादा बात नहीं करती है। यहाँ पे 16 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, जो भी सीटेट फॉर्म की अपडेट आएंगी, आगे भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को जो है अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है इस उद्देश्य के साथ संबंध है? सामाजिक दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान, मीडिया मनोविज्ञान, या शिक्षा समाजशास्त्र? राइट आंसर क्या होगा, 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की जो है क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? वो क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान। यहां पे 17 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा जो है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, या जो है शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, या शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, या शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैनक बनाती है? बताइए, सीखने की प्रक्रिया में जो है अभिप्रेरणा क्या बनाती है या क्या करती है, यह आपको बताना है। 18 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर देंगे सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर प्रश्न का जवाब जरूर से जरूर दिया करें। सीखने की प्रक्रिया में जो है अभिप्रेरणा क्या बनाती है, क्या अलग करती है, यह आपको बताना है। तो ध्यान रखना, सीखने की प्रक्रिया में जो है अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति जो है रुचि का विकास पैदा करती है। यहां पे आपका जो है सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, शिक्षा के क्षेत्र में जो है पाठ्यचर्चा शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिससे विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव जो है प्राप्त करते हैं, या मूल्यांकन प्रक्रिया की ओर संकेत करती हैं, या कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, या शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु? 19 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर करेंगे सब लोग। बताइए सब लोग भाई, 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्चा शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? तो ये विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, इसकी ओर जो है संकेत करती है पाठ्यचर्चा, ये वाला। यहाँ पे 8A वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या जो है शिक्षण के समास जो है शास्त्रीय सिद्धांतों पर, या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर? 20 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर करेंगे। कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप मुझसे बातचीत भी कर सकते हैं। टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी अगर आपके मन में डाउट है तो डाउट क्लियर कर सकते हैं अपना। 20 का फटाफट आंसर करेंगे, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है,
तो ये आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। 20 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो है अतीत की समान परिस्थिति में जो है की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? सीखने का प्रभाव नियम से, या सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम से, या सीखने का जो है तत्पर नियम से, या सीखने का सादृश्यता नियम? 21 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर करेंगे सब लोग। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में जो है की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया जो है करता है, यह किससे संबंधित है? फटाफट आंसर करेंगे, आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे 21 का जितने भी लोग डी जो आप दे रहे हैं, सीखने का सादृश्य नियम, यह बिल्कुल उनका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है कौन सा? दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, या सृजनात्मक विचार? बताइए प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है कौन सा? तो प्रतिभाशाली होने का जो संकेत इसमें नहीं है, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कौन कौन सा है। अभिव्यक्ति में जो है नवीनता, ये है प्रतिभाशाली होने का संकेत, जिज्ञासा भी है, सृजनात्मक विचार भी है, दूसरों के साथ झगड़ना ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। 22 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जवाब देंगे सब लोग। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जो है शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, या विशेष विद्यालयों में, या विशेष विद्यालयों में जो है शिक्षकों द्वारा, या अन्य समान बच्चों के साथ? तो बताएंगे सब लोग, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए किसके द्वारा? बहुत अच्छे, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य समान बच्चों के साथ, उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? बताइए बताएंगे सब लोग, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति जो है सचेत होना चाहिए? 24 का राइट आंसर क्या होगा, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में जो है विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है भाई? गणितीय विकास, पठन विकार, व्यवहार संबंधी विकास, या मानसिक विकास? तो डिसलेक्सिया का संबंध पठन जो है विकार से, पठन विकार से, गणितीय डिसकैलकुलिया होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को जो है भूमिका निभानी चाहिए, अग्रोन्मुखी, या तटस्थ, या नकारात्मक, या सहानुभूतिपूर्ण? बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, अग्रोन्मुखी जो है भूमिका निभानी चाहिए माता पिता को। यहाँ पे 26 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत? राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर करेंगे। 27 का विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? यह विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। किसके सिद्धांत से? निरंतरता के सिद्धांत से। 27 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? पावलोव, जीन पियाजे, वाइगोस्की, या गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी?
28 का आंसर दीजिए सब लोग। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने जो है बढ़ावा दिया है। ओके, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के जो है सक्रिय हो जाते हैं? प्रौढ़ावस्था या बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था या किशोरावस्था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बहुत अच्छे, 29 का आंसर देंगे सब लोग। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो वो अवस्था है किशोर अवस्था में। ठीक है, यहाँ पे 29 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है एरिक्सन के द्वारा, पियाजे के द्वारा या स्किनर के द्वारा या कोहलबर्ग के द्वारा? किसके द्वारा? बच्चों के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है पियाजे के द्वारा की गई। किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वो चार अवस्थाएं हैं, जैसे याद रखना, जैसे संवेदी गामक काल हो गया, पूर्व संक्रिया काल हो गया, मूर्त संक्रिया काल हो गया, औपचारिक संक्रिया काल हो गया। ठीक है, ये चारों हैं, चार अवस्थाएं। ओके, चलिए सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है CDP क्लास। कैसी रही क्लास, कैसी रही वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। 15 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, अपना स्कोर सही सही जरूर बताना। और भी वीडियोस देखते रहें, अपने प्रैक्टिस करते रहें, ऐसे ही आपका एग्जाम 100% निकलेगा। बस प्रैक्टिस में कमी आपकी नहीं होनी चाहिए, और प्रैक्टिस वही क्वेश्चन की करनी है जो CTET में पूछे गए हैं, यानी कि सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ओके ना, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।